जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, मैं आज बात करूंगा वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का जो परीक्षा है वो आपको पता है कि 26 और 27 जून को होने वाला है, महज 2 दिन बचे हैं। ठीक है, तो इस परीक्षा में साथियों मैं आपसे 5 चीज़ें बात करूंगा कि जिन चीज़ों को आपको परीक्षा देते समय ध्यान अवश्य रखना है। और दोस्तों, अगर कहीं आप ये चीज़ें ध्यान रख लेते ना तो आपको परीक्षा निकालने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। ठीक है, देखिए ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आप बता दें कि आप खुद ही आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ आपके लिए क्या है, ऑथेंटिक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को कि आपको बताते हैं वो 5 चीज़ें जिन्हें आपको सावधानी बरतनी है परीक्षा देते समय, या फिर उनको अपने दिमाग में बिठा कर रखना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथियों, पहली चीज़ क्या है कि मैं एक चीज़ पहले आपको बता दूं कि भैया हमने आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिस पे हमने बहुत ही कम समय में आपको बता दें हर एक टॉपिक का बहुत ही गहन रिवीजन करवाया दोस्तों, बहुत ही कम समय में। तो फास्ट रिवीजन यानी कि बूस्टर डोज करवाया उसका, तो आपके लिए एक हमने प्लेलिस्ट बना दी वीडियो री एग्ज़ाम बूस्टर डोज। जैसे इसमें क्या मिलेगा आपको, तो संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाई है, हिंदी के अलावा दोस्तों आपको जीके के भी टॉपिक मिल जाएंगे, जीके के अलावा दोस्तों यूपी स्पेशल के भी टॉपिक मिल जाएंगे, उसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर के भी टॉपिक मिल जाएंगे। तो जा करके दोस्तों इस पर आप देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज़ को हमने परिचित किया है आपके सभी के समक्ष, तो इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हिंदी साहित्य आपकी कमज़ोर है, मात्र 9 वीडियो में दोस्तों हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य को समा दिया है, तो जा करके एक बार देख सकते हैं। तो देख लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा साबित करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कौन सी 5 चीज़ें हैं। देखिए साथियों, पॉइंट नंबर 1 है कि निगेटिव मार्किंग 1/2। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है कि निगेटिव मार्किंग 1/2। अभी देखिए, अभी कल भी देखिए ये वीडियो बनाने के, देखिए हमने पहले वीडियो बनाया था, ये वीडियो बनाने का हमारा एक मकसद है। एक बच्चा कह रहा था सर कि हमारा 100+ हो जा रहा है, क्या हम जो 50 क्वेश्चन या फिर जो 105 110 तक हो जा रहा है, तो हम क्या जो आपके 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जो बचते हैं तो उनको भी हम क्या टच करें या ना करें। तो भैया आपको बता दो, निगेटिव मार्किंग है, इसलिए तो मैं तो सीधा मना कर दूंगा कि भैया अगर आपसे मैं बता दूं कि 95 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तब भी आप उसको टच मत करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, हो सकता है आपका और ज़्यादा लॉस हो जाए। ठीक है, 1/2 निगेटिव मार्किंग शायद ही आपको किसी किसी एग्जाम में देखने को मिला होगा या देखा ही नहीं होगा। देखिए मैंने तो पहली बार इसको देखा है। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें दोस्तों क्या क्या होगा, तो हिंदी के 50 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 50 क्वेश्चन, और उसके बाद रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल दोस्तों 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर के यानी 300 के, और माइनस मार्किंग दोस्तों 1/2। ठीक है, पिछली बार मैं बता दूँ ओबीसी दोस्तों 105 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ गई थी, तो ठीक है, मगर पिछली बार क्या होता दोस्तों, लगभग दोस्तों 1000+ में क्या हुआ था, संदेश पत्थर। ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ें रद्द की गई थी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप सभी से, तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि भैया निगेटिव मार्किंग को नहीं छूना है, निगेटिव मार्किंग को से बच के रहना है जहाँ तक दोस्तों। ठीक है, चलिए तो पहली चीज़ आपको समझ में आएगा कि भैया निगेटिव मार्किंग को आपको बिल्कुल भी उसको हाथ नहीं लगाना है। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, फर्स्ट अटैम्प्ट क्या करें ना, फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब कि हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है, इसमें सबसे पहले सॉल्व क्या करें भैया, ये दिमाग में आपके रहता है। देखिए मेरे हिसाब से दोस्तों, कभी भी आप रीजनिंग अटैम्प्ट मत करिएगा पहले। ठीक है, सबसे पहले अगर मेरी पूछो तो दोस्तों आप हिंदी कर ले, क्यों, क्योंकि हिंदी में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी। देखिए हिंदी 15 मिनट में आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी अच्छी स्पीड है, देखिए आप कहेंगे सर पेपर लेंगे, भैया 15 से 20 मिनट बहुत है आपके लिए। ठीक है, और जीके में दोस्तों, जीके में भी 15 से 20 मिनट बहुत होते हैं, यानी कि लगभग दोस्तों 30 से 40 मिनट में आप दोनों चीज़ कर लें। ठीक है, दोनों चीज़ आप 30 से 40 मिनट में दोस्तों संपूर्ण कर लें। ठीक है, फिर आपके पास दोस्तों लगभग 1.5 घंटे के आसपास बच जाएगा रीजनिंग के लिए। देखिए ये स्पीड तो आपको बनानी पड़ेगी। देखिए जीके में कहेंगे सर जीके में लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कर लेंगे, देखिए जीके में आपको पूरे 50 क्वेश्चन तो करने नहीं है। देखिए थोड़ा सा देखिए, अगर आपको लगता है क्वेश्चन हो जाएगा तब आप उसको पूरा पढ़िए, अन्यथा उसको भी छोड़ दीजिए ना, क्या ज़रूरत है आपको फालतू टाइम वेस्ट करने का। तो इसलिए मैं कहूँगा
हिंदी पहले करिए और दोस्तों उसके बाद जीएस हल करिए, उसके बाद आप करिए रीजनिंग। यानी कि रीजनिंग को आप लास्ट में छोड़िए। और रीजनिंग भी कैसे करनी, तो मैं आपको बता दूं कि भैया जो जो क्वेश्चन आपको आते जा रहे हैं सरलता से उनको पहले कर लीजिए, किसी भी उसमें मत फंसिए कि भैया थोड़ा सा हाँ ये लेंथी क्वेश्चन तो आप उसको कर लेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, तो उन चीज़ों को पहले छोड़ दीजिए। क्या पता दोस्तों उसी लेंथी चक्कर में आप उलझ जाएँ और आपका ये दो तीन अच्छे प्रश्न जो कि एकदम इजी थे वो छूट जाए। तो समय का बहुत प्रयोग करिएगा, टाइम का बहुत अच्छे से प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बता दिया है कि भैया मेरे हिसाब से, देखिए हो सकता है आपका मत कुछ और कहे कि सर नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो भैया आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार दोस्तों मैं हमेशा ऐसे ही पेपर को अटैम्प्ट करता हूँ और करता था, ठीक है। चलिए तीसरे पॉइंट की बात कर ले, हाउ टू फिल OMR। देखिए बहुत से बच्चे बताते हैं सर कि हमने OMR भरने में गलती कर दी है, तो पता नहीं वो बच्चे भी कैसे होते हैं, मगर हो जाता है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। देखिए OMR कैसे भरे, तो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि भैया अब सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए पहली चीज़ क्या है कि आपको हिंदी करना, देखिए जैसे आपने हमने बोला पहले आपको हिंदी करना। हिंदी करने के बाद दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन जो पूरे होंगे पहले उसको भर लीजिए, फिर आगे आप जी क्या करिए। तो देखिए हिंदी आप 50 कर लिए दोस्तों, 50 करने के बाद आप क्या करिएगा, मान लिया दोस्तों ये क्वेश्चन है तो पहले का ए सही तो ए पे हल्का कट मार दीजिए, बी सही तो बी, दूसरे का बी सही तो बी पे ऐसे कर दीजिए, तीसरे सी सही तो सी पे ऐसे हल्का सा मार दीजिए, डी सही ऐसे 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 50 पे टोटल हल्का हल्का मार दीजिए कि गोले के बाहर ना जाए। फिर दोस्तों क्या करिए, आपकी आंसर बुक है जो उसको आप बाहर रख दीजिए, फिर दोस्तों इसी पे सीधा फोकस करके इसको आप ऐसे ऐसे गोला सही से फिल कर दें, क्योंकि इसमें आपके निशान लगे होते हैं। ऐसे क्या होता है दोस्तों आप भरमते नहीं, मतलब ऐसा होता ना कि एक बार इधर देखे एक बार इधर देखे तो दोस्तों गलतियाँ भी हो जाती हैं, ठीक है। और आप एक एक करके फिल करिए, यानी पहले हिंदी का पूरा कर लीजिए, नहीं दोस्तों क्या होता है ना जब इकट्ठे आप करते हैं ना तो आपके आंखें जो होती चौंधिया जाती है, जैसे क्या बोलते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में, थोड़ा सा आप फिर गलत भर देते हैं ना। और ये ऐसी चीज़ अगर दोस्तों एक आपने शुरुआत गलत भर दिया फिर सारे गलत होते चले जाएंगे ना, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है सभी के लिए, ठीक है। तो आप पहले हिंदी करिएगा, फिर दोस्तों आप क्या करिए जीएस करिए, जीएस के भर दीजिए जो भी 30 से 40 क्वेश्चन आप कर पाते हैं, फिर उसके बाद रीजनिंग करिए, और रीजनिंग करने के बाद दोस्तों भर दीजिए, और रीजनिंग पहले आसान आसान से करिएगा, उनको एक बार करके दोस्तों भर दीजिएगा, फिर दोस्तों जो भी क्वेश्चन करिए, फिर अंत में आपको बता दूँ जो भी क्वेश्चन करिए उसको लगातार भरते जाइए, ठीक है। मान लिया फिर आपका जो हिंदी छूटा था आप हिंदी पे आ गए, तो हिंदी का आपने करा तो हिंदी को तुरंत भर दीजिए, जैसे यहाँ पे आप निशान मारते तुरंत भर दीजिए, फिर तुरंत भर दीजिए, फिर ये है ना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो पहले कैसे भरना है वो चीज़ें मैंने बता दिया। चलिए अब दोस्तों कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या है दोस्तों, देखिए इस पर आप ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, बहुत से यूट्यूब वाले आपको बताएंगे 120 दिया, देखिए 120 का कोई मतलब हमारे हिसाब से तो नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि 1/2 जो आपकी माइनस मार्किंग है, बाकी कट ऑफ कितनी जाएगी उस पर आप मत देखिए। आप जितने अच्छे स्कोर कर सकते हैं, जितना बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं दोस्तों उतना ही करने की कोशिश करिए, किसी के बहकाव मत आइए। मान लें दोस्तों आपने 105 क्या किया, अच्छे से पहुँचा दिया, 105 क्वेश्चन आपने बेहतरीन ढंग से कर लिया, और किसी के बहकाव में आके कि उसने बताया था 120 क्वेश्चन जाएगी कट ऑफ तो हम तो रहेंगे नहीं, तो आपने क्या किया 15 से 20 क्वेश्चन आपने निगेटिव मार्किंग छू ली, और निगेटिव मार्किंग खुदा ना खास्ता आप पे भारी पड़ गई और आप आके 100 पे आ गए, और कल को दोस्तों 102 में 102 कट ऑफ लग गई, तो आप कितना पछताएंगे। कि इसलिए भैया कि फाइनल कट ऑफ को अभी आप मत सोचिएगा, निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए करिएगा, इन सभी चीज़ों को आप समझदारी से करेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि फाइनल कट ऑफ पे ध्यान मत दीजिए, निगेटिव मार्किंग पे थोड़ा सा समझदारी रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट, अगर मैं पाँचवें पॉइंट की यहीं पर बात कर लूँ साथी हूँ, पाँचवें पॉइंट को ठीक है, पांचवा पॉइंट यहाँ बना लूँ। देखिए आपको बता दूँ कि आप जब वो चीज़ें जब गोले भरते ना, तो हालांकि बहुत से बच्चे दोस्तों ऐसा करते हैं, तो आप क्या करिए दोस्तों बॉल पे ले जाइए मोटा वाला, ब्लैक ब्लैक आता है, ब्लैक आता है दोस्तों बोल्ड है ना, बोल्ड करके आता है दोस्तों, वो लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि जैसे आप ये छोटे वाले वो ले जाते हैं ना पेन, तो उसमें कई बार चलाना पड़ता है ऐसे करके दोस्तों, बोल्ड वाला जो होता है ना 2 से 3 बार घुमाइए और समाप्त हो जाता है, 2 से 3 बार घुमाइए गोला पूरा भर जाता है। तो बोल्ट ब्लैक पे देखिए कोशिश करिएगा आप ब्लैक ही लेके जाए, ठीक है, ब्लैक और बोल्ट होना चाहिए मोटा वाला पेन। उससे क्या होता है दोस्तों कि आप बहुत जल्दी किसी गोले को भर पाते हैं, किसी भी गोले को आप बहुत ही जल्दी से भर पाते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो आप बोल्ट पेन लीजिए ब्लैक वाला, ठीक है, तो ज़बरदस्त ब्लैक दोस्तों बोल्ट पेन ले जाइए, उससे आपको गोला भरने में बहुत ही सहूलियत मिलती है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि आप अपना एडमिट कार्ड
और अपनी अपनी सारी चीज़ें, जैसे एक आप दो फ़ोटो रख लीजिएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड, ठीक, एडमिट कार्ड, उसके अलावा आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी फ़ोटो कापी, या फिर जो भी आइडेंटिटी कार्ड है दोस्तों उसकी फ़ोटो कापी, इतनी चीज़ आप लेके जाइए, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको जैसे ही पेपर मिलता है आप अपने से मतलब रखिए, किसी से दोस्तों इधर उधर ताका झाँकी मत करिएगा, क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़े दोस्तों तो आपको समय नहीं मिलेगा, इतना लेंदी पेपर या फिर इतना तगड़ा पेपर आता है वीडियो का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, अगर कोई क्वारी है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल, दोस्तों इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों हमने बहुत सारी PDF पहले दे रखी, और भी दोस्तों PDF दे दूंगा जिससे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।